Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of Gyan Guruvar. And today हम लोग है ना Gyan Guruvar का पूरा जो रहता है ना टिक मार्क टिक कर रहे हैं क्योंकि इतने टाइम से Gyan Guruvar नहीं बना रहे, इसलिए सारी वीडियोस हमारी Gyan Guruvar ही है. सेफ्टी गियर के बारे में बात करने वाले हैं, टिप टू टो. जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपको हमेशा सेफ्टी गियर्स पहनना चाहिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी हेलमेट. सो टुडे गाइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉप हेलमेट्स अंडर 5000 इन ईयर 2023. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास तीन बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग हेलमेट है. ये है SMK का टाइफून हेलमेट जो है 5150 का. ये है MT हमर जो आता है 5250 का. एंड देन वी हैव एक्सोर अपेक्स हेलमेट जो आता है 4994 का. तो ये सारी हेलमेट आप लोग देख सकते हो कि ये सेम रेंज 5000 के आसपास का ही है. जब भी कोई क्लाइंट आता है ना हमारे स्टोर पर, तो वो लोग का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का पॉइंट यही होता है कि ये भी 5000 का है, ये भी 5000 का है, ये भी 5000 का है, अभी तीनों में से मैं कौन सा हेलमेट लूँ. अगर आप ये तीनों हेलमेट को कंपेयर करोगे ना, तो प्राइस रेंज तो सिमिलर लगता है, लेकिन इसके जो फीचर्स है उसमें काफी चीजें जो है जो कैच करने वाली जैसी है. लेट्स स्टार्ट विद MT हमर हेलमेट जो 5250 का है. अभी ये वाले हेलमेट के बारे में मैं इसलिए बात करना पसंद करूंगी क्योंकि आई हैव यूज्ड MT हमर इन माय मुंबई टू लद्दाख का राइड जो लास्ट ईयर किया था हम लोग ने. उस टाइम पर हमने 6000 किलोमीटर किया था विद दिस हेलमेट. और ये वाली हेलमेट ना, एक मेरे को दो चीज मैं आपको बताऊंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सभी क्लाइंट्स को ये क्वेश्चन रहता है. पहली चीज, लाइट वेट है तो आपको अच्छा फीलिंग आएगा. MT हमर इज रियली लाइट वेट, बहुत अच्छा लगेगा. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये हेलमेट नॉइजी है कि नहीं है. अभी नॉइजी है कि नहीं है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ये वीडियो के, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दिस MT हमर हेलमेट. ये MT हमर के बारे में किरण ने आप लोग को शॉर्ट में बता दिया है. वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि ये किरण ने इसलिए पिक किया था बिकॉज दिस इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल दीज हेलमेट्स. दैट्स द रीजन शी पिक्ड इट अप, बिकॉज वी राइड फास्ट मोटरसाइकिल एंड हम लोग को उसमें विंड ब्लास्ट होने के वजह से वी हैव टू यूज लाइट हेलमेट. तो MT हमर 1450 ग्राम्स का है एंड दिस इज ECE एज वेल एज ISI सर्टिफाइड. एंड MT हमर किसको लेना चाहिए वो मैं क्विकली बताता हूँ. जिनके हेड साइजेस छोटे हैं, जो स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज तक के अगर आपका हेड साइज है और राउंड शेप है आपका हेड का, तो उसको MT हमर लेना चाहिए. अगर आपका फेस बड़ा है, आपका ओवल शेप है, तो उनके लिए डेफिनेटली SMK टाइफून या फिर एक्सोर का एपेक्स हेलमेट लेना चाहिए. बिकॉज दीज हेलमेट्स आर स्लाइटली ओवल शेप, तो फ्रंट टू बैक ओवल शेप में है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सोर का Apex helmet, because this is DOT, ECE as well as ISI certified. And ये helmet में आपको clear visor आता है, और ये helmet में आपको clear visor के ऊपर pin lock लग के आता है. And this also comes with this drop down sun visor, जो कि MT Hummer में नहीं आता है. And ये almost similar specs है SMK के Typhoon helmet में, जो है DOT, ECE as well as ISI certified. And आप अगर ये ओपन करोगे तो ये वाइजर, क्लियर वाइजर, ये एक बड़ा क्लियर वाइजर है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्सोर एपेक्स से आपको जो फील्ड ऑफ व्यू है वो SMK का टाइफून में बड़ा है, बट SMK टाइफून की पैडिंग एक्सोर एपेक्स से थोड़ी सी पतली है. सो द प्रीमियम पैडिंग और द टॉप ऑफ द लाइन पैडिंग आप बोल सकते हो तीनों हेलमेट में एक्सोर का एपेक्स है. और अगर आपको थोड़ा सा बड़ा साइज का शेल चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस SMK टाइफून हेलमेट, बिकॉज दिस इज स्लाइटली बिगर साइज का शेल है देन MT का हमर. बट आपको अगर बड़े, एकदम बड़ा साइज का शेल नहीं चाहिए, तो यू कैन अवॉइड दिस एक्सोर का एपेक्स, बिकॉज दिस इज स्लाइटली बिगर शेल देन दीज टू हेलमेट्स. एंड वन की एस्पेक्ट बिटवीन दीज थ्री हेलमेट्स इज SMK एंड एक्सोर, ये दोनों हेलमेट में बकल सिस्टम है वो डबल डी है, वेर एज MT हेलमेट में आपको ये रैचेट सिस्टम आता है, जो काफी लोगों को अनसेफ लगता है. हमें भी रैचेट सिस्टम यूज़ करने को हम लोग को अच्छा फील नहीं आता, बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग दीज डबल डी सिस्टम. लेकिन जो भी ये हेलमेट्स ले रहे, दोज आर लाइक बाइकिंग में फर्स्ट टाइम आ रहे, और उनके लिए रैचेट सिस्टम लेना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है, वो लोग एक्सोर या फिर SMK का टाइफून हेलमेट लेते हैं और उसका डबल डी रिंग नहीं लगाते. तो SMK के टाइफून में मिक्स आते हैं, किसी किसी हेलमेट्स में रैचेट आता है, किसी किसी हेलमेट्स में डबल डी रिंग आता है. तो व्हेनेवर यू आर बाइंग द हेलमेट,
दैट टाइम चेक कर लो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आप डबल डील ले लो या फिर रैचेट ले लो। हाउएवर दोनों भी सिस्टम्स काफ़ी सिक्योर है एज लॉन्ग एज यू यूज इट, मतलब आप उसको टाई करके रखना चाहिए। ये भी जो है रैचेट सिस्टम, अनलेस एंड अंटिल आप इसको निकालोगे नहीं या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे नहीं तब तक ये नहीं निकलने वाला है। तो पिन लॉक इंसर्ट क्या होते हैं, ये जो येलो फिल्म दिख रही है ये पूरा वाइजर हो गया क्लियर एंड ये अंदर। तो जब भी आप फॉगी कंडीशन में जाते हो, रेन्स चल रहे, विंटर चल रहे, तो बाहर का टेम्परेचर अलग होता है और अंदर हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट चलता रहता है, वो टाइम पे ये वाइजर फॉग अप हो सकता है। तो ये हेलमेट एग्जॉर एपेक्स एज वेल एज SMK टाइफून, ये जो प्राइस है ये 5150, ये 4994, यही प्राइस के अंदर आपको इसमें ये पिनलॉक इंसर्ट लग के आता है। फिर MTK कोई भी हेलमेट्स इंक्लूडिंग दिस हमर हेलमेट आपको पिनलॉक इंसर्ट लग के नहीं आएगा। तो वेन यू आर स्पेंडिंग 5 to 50 रुपीज फॉर दिस MT हमर, यू विल हैव टू स्पेंड 2000 रुपीज मोर टू गेट द पिनलॉक वाइजर। हम लोग डायरेक्ट कंपेरिजन देखो तीनों हेलमेट का, तो ये दोनों अभी भी 5000 के रेंज में है, वेर एज MT हमर आपका 7 to 50 के रेंज में चला जाता है। वीडियो के बीच में चाय जरूरी है और डिस्टर्बेंस भी जरूरी है। आप एक बजट ओरिएंटेड हेलमेट देखने जा रहे हो 5000 के रेंज में, तो यू हैव टू लुक कि ये हेलमेट आपको फिट कैसे आ रहा है। आपको MT ही हेलमेट लेना है तो आई थिंक ये हेलमेट उतना वर्थ नहीं है प्राइस के हिसाब से। यू कैन इंक्रीज योर बजट एंड गो फॉर द हायर रेंज ऑफ MT हेलमेट्स। 5000 के रेंज में अगर आप हेलमेट देख रहे हो तो एग्जॉर और SMK मेक्स गुड हेलमेट्स और ये ज़्यादा बेटर डील है। इन दोनों में भी अगर कंपेरिजन करूँ इन टर्म्स ऑफ स्पेयर अवेलेबिलिटी तो SMK और एग्जॉर के स्पेयर्स जो है रेगुलरली मिलते हैं। रैचेट होते जो ये वाले होते जिसमें हम लोग का वाइजर फिट होता है, ये चीज़ ये रेगुलरली मिलती है। दीज आर रियली चीप एज कम्पेयर टू MT हेलमेट्स। MT हेलमेट के रैचेट भी एक्सपेंसिव रहते हैं एंड वाइजर भी डेफिनेटली एक्सपेंसिव रहते हैं। ये क्लियर वाइजर 1000 रुपीज़ का आता है एंड इसमें अगर आपको टिंटेड या स्मोक चाहिए तो 1100 रुपीज़ का आता है। एंड पिनलॉक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 2000 का पिनलॉक आता है बिकॉज दिस इज अ फॉरेन कंपनी। वेर एज इफ वी कंपेयर एग्जॉर का वाइजर आता है 800 रुपीज़ का एंड पिनलॉक जो SMK में लगता है वो भी पिनलॉक इसमें लग जाता है। तो पिनलॉक जो है पिनलॉक 30 आता है, दैट इज फॉर 550 रुपीज़। एंड सबसे सस्ता वाइजर जो है वो है SMK टाइफून का। तो SMK के सभी हेलमेट्स के एक्सटर्नल वाइजर है, दोज आर फॉर 450 रुपीज़, 450 फॉर द वाइजर एंड 550 फॉर द पिनलॉक इंसर्ट। तो 1000 रुपीज़ में आपका पूरा हेलमेट नया हो जाता है वाइजर एज वेल एज पिनलॉक, वेर एज 1000 रुपीज़ आपका ये एक्सटर्नल वाइजर ही मिलता है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट एग्जॉर एंड SMK, इनके वाइजर्स रैचेट हमेशा अवेलेबल रहते हैं बिकॉज दीज गाइज डोंट हैव मल्टीपल ऑप्शन लाइक MT डू। और आप अगर MT हेलमेट्स लेने वाले हो तो मेक श्योर करो आप जो भी हेलमेट ले रहे हो उसका पैडिंग आप एक साल के अंदर ले लो बिकॉज दीज गाइज कीप चेंजिंग देयर मॉडल्स और उसके अकॉर्डिंगली पैडिंग आपको नहीं मिलेगी या फिर वाइजर्स भी काफ़ी टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है। अभी हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द फिटिंग। सबसे बेस्ट फिटिंग जो है एग्जॉर एपेक्स की है, दैट इज़ फॉर मी। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा हेलमेट ज़्यादा अच्छे से फिट करता है। मुझे ये हेलमेट, मेरा हेड साइज थोड़ा बड़ा है तो दिस हेलमेट मेरे सर में ही जाता नहीं, तो दैट्स द रीज़न आई विल नेवर लाइक दिस MT हमर। तो इसलिए मैंने बोला मेरे लिए एपेक्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी है एंड SMK की फिटिंग थोड़ी सी मुझे लूज लगती है। तो अगर आप एग्जॉर का अगर एल साइज ले रहे हो तो SMK में आपको M साइज का लेना पड़ेगा बिकॉज द पैडिंग ऑफ SMK टाइफून इज स्लाइटली थिनर दैन एग्जॉर का एपेक्स हेलमेट। ग्राफिक के बारे में अगर बात करेंगे तो एग्जॉर मेक्स लॉट ऑफ गुड ग्राफिक्स और इनके काफ़ी अलग अलग ग्राफिक्स आते हैं। दीज आर 4994 वाले हेलमेट्स, इनके DC सीरीज काफ़ी कोलैबोरेशन वाले हेलमेट जो है वो ग्राफिक्स इवन बेटर है, वो 6500 के हैं, बट यू आर स्पेंडिंग 1500 मोर फॉर ओनली ग्राफिक्स एंड यू गेट एडिशनल टिंटेड वाइजर, वो आप अलग से भी खरीद सकते हो। तो अगर आप 6500 डालने वाले हो तो माइट एज विल गो फॉर बेटर हेलमेट आपका अगर बजट उतना जाने वाला है। बट समटाइम्स होता है ना कि इतने में डाल रहा हो तो मुझे ये जोकर वाला चाहिए या बैटमैन चाहिए, हमें सब लोग को रहते हैं कि ये कलर चाहिए, एक पर्टिकुलर ग्राफिक चाहिए। हम लोग क्विकली इसमें देखेंगे क्या क्या है। ये वाइजर हो गया, देन यहाँ पे एक वेंट है,
ये वाला वेंट एंड देन ये वेंट यहाँ पे ओपन क्लोज, ये क्लोज हो गया एंड देन पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जॉस्ट है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर पॉकेट तीनों हेलमेट्स में है, SMK, XOR एज वेल एज MT सभी हेलमेट्स में स्पीकर पॉकेट है, तो आराम से आप इंटरकॉम फिट कर सकते हो। ये चिन कर्टन आता है एंड ये नोज पैड भी आता है। लेट्स लुक एट दिस XOR Apex। यहाँ पे इसके दो यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे है ये दोनों एंड देन यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है, देन ये पैडिंग सबसे प्रीमियम पैडिंग आपको XOR की लगेगी बिकॉज ये थिक है, बट आपका सर का साइज बड़ा है तो आपको दूसरे हेलमेट्स ट्राई करने पड़ेंगे। इसका चिन कर्टन है बड़ा साइज का है देन SMK और ये चिन पे भी आपको ये वेंट मिलेगा और ये नोज गार्ड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। MT हमर का यहाँ पे चिन पे एक वेंट है एंड देन ये हेड पे एक वेंट है एंड यहाँ पे एग्जॉस्ट है एंड ये स्पॉइलर भी आता है इसके साथ में। तो ऑल द हेलमेट्स कम्स विद स्पॉइलर, किसी किसी हेलमेट में लगा हुआ रहता है, किसी किसी में सेपरेटली आता है। ये जो होल्स आप देख रहे हो यहाँ पे है यहाँ पे, तो इसमें फिट करके आपको स्पॉइलर लगा के दीज हेलमेट्स इवन लुक बेटर। ये हेलमेट में भी ऑलरेडी ये स्पॉइलर लग के आया हुआ है। कमिंग टू द कंक्लूजन, क्या ये तीनों हेलमेट नॉइजी है कि नहीं है, तो लेट मी टेल यू गाइस कि ये प्राइस रेंज जो 5000 की प्राइस रेंज की हेलमेट होती है वो सारे के सारे नॉइजी होती है। फिलहाल अपने इंडिया में देर आर नो सच हेलमेट्स जो आपको ऐसा फील होगा कि नॉइजी नहीं है। साइलेंट हेलमेट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो यू विल ऑब्वियसली हैव टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द हेलमेट यू बाय। तो जो 10-12 हजार की भी जो हेलमेट होती है वो नॉइजी होती है। सचिन के पास KRE है MT का 13000 राइट सचिन, 13000 का उसके पास हेलमेट है, इवन दैट इज नॉइजी। अगेन आई वुड लाइक टू से हियर कि मैं स्कॉर्पियन हेलमेट यूज करती थी 18000 का, मेरे पास XO 710 हेलमेट का मॉडल था, वो था मेरे पास, वो भी नॉइजी थी। कमिंग टू द कंक्लूजन, तीनों हेलमेट बहुत ज्यादा सही है, आप लोग यूज कर सकते हो फॉर सिटी एज वेल एज फॉर टूरिंग। ये तीनों हेलमेट में से ना एक ऐसी हेलमेट है जिसने ना लिटरली प्रूव किया है हमें कि मैं सेफेस्ट हूँ। और हुक मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, लेट मी शो यू। तो मैं ये वाले हेलमेट के बारे में बात कर रही थी, ये SMK का स्टेलर हेलमेट है और ये हम लोग ने स्टोर पर रखा है लिखते हुए कि दिस हेलमेट सेव्ड माय लाइफ। ये हमारे क्लाइंट का हेलमेट है, हुबली धारवाड़ वाला जो रोड है वहां पर उनकी एक्सीडेंट हुई थी और यू कैन सी जस्ट लुक एट दिस, ये यहाँ पर क्रैक है पूरा और ये वाला आप एरिया देख सकते हो कि क्या हालत है इस हेलमेट। SMK हेलमेट ने प्रूव किया है कि ये कितना अच्छा हेलमेट है एंड लिटरली इट सेव्ड हर लाइफ। थैंक यू सो मच टू दिस हेलमेट। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ये छोटी सी चीज, थोड़ा पैसा जाता है इसमें लेकिन आपकी जिंदगी बचा लेती है। और हम लोग जैसे हमेशा हर वीडियो के एंड में बोलते हैं ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप रोमिंग, वैसे ही मैं वीडियो एंड करना चाहूंगी आप लोगों को ये बोलते हुए, जैसे SMK हेलमेट ने प्रूव किया है कि इट इज द सेफेस्ट, वैसे ही अपनी XOR और MT हेलमेट भी सेफेस्ट है। अगर गलती से भगवान ना करे एक्सीडेंट हुई ना, आप बच जाओगे वो गारंटी अगर प्रॉपर हेलमेट पहनोगे तो। सो यस, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप रोमिंग एवरीवन।